वादी कश्मीर का रुख करते हैं। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सनम, कल का दिन एक और खराब दिन, सबसे ज्यादा केसेस, और ये वो केसेस क्या सामने आने लगे हैं जो बाहर से लोग वापस आए, टेस्ट रिपोर्ट ज्यादा आने लगी है, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ी है, या फिर कुछ लोकल लेवल पर भी, या जो आबादी वाले इलाके से कश्मीर वैली के अंदर है वहां पर भी केसेस रिपोर्ट हुए कल के? देखिए, बिल्कुल आज से अब तक लगभग एक हफ्ते से कश्मीर में जो केसेस का ग्राफ है बहुत ऊंचा है, और यूजली जम्मू कश्मीर में रोज के केसेस जो है वो 100 से ऊपर चले जाते हैं। अब कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सेंचुरी नहीं होती है केसेस की। तो इसमें एक बड़ी वजह जो अब तक देखने को मिली है, लगभग 70% जो केसेस हैं वो उन लोगों के होते हैं जो मुल्क की मुख्य प्रयासों से कश्मीर लाए गए हैं या आए हैं और यहाँ पे वो क्वारंटीन हुए। 30% जो केसेस पॉजिटिव आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30% केसेस जो है वो जो पॉजिटिव आते हैं वो लोकल लेवल। जिस तरह हम कहें कल की अगर बात करें तो कल जहां बारामूला की बारी थी, 40 से ज्यादा केसेस वहां से पॉजिटिव आए, लेकिन जहां बारामूला में के दूसरे इलाकों में कुछ जो लोग केसेस हैं, बारामूला के ही बाहरी इलाकों से जो केसेज हैं उनमें से अक्सर तादाद है वो बाहर के है, बाहर के लिए आते चाहिए। लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ के, एक लोकल पुलिस स्टेशन के या पुलिस एहलकारों के साथ साथ कुछ और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके जो पॉजिटिव आने की कल जो खबरें आई हैं वो लोकल लेवल के हैं, वो लोकल ट्रांसमिशन हो सकता है। और पुलिस एहलकार ड्यूरिंग ड्यूटी या कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कल के केसेस में पॉजिटिव हुए वो ड्यूटी के दौरान ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पे भी माना जाए कोई ऑप्शनल तौर पर। सर, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, जब मैंने कश्मीर का जिक्र किया तो यहाँ पर टैली में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी मुझे बताने में, उसके लिए माजरत। 19 केसेस कल अनंतनाग से रिपोर्ट हुए, जो मेरे 0 बताया था, टैली आगे पीछे हुई है तो उसमें थोड़ी से बोलने में जो है वो गलती हुई है। और 19 केसेस अनंतनाग से रिपोर्ट हुए हैं, 26 कल श्रीनगर से, 4 कुलगाम से, और 40 जो अभी सनम भी बता रहे हैं। लेकिन सनम, साउथ कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट, 314 केसेस, कितनी खतरनाक सिचुएशन है ये? देखिए, कुलगाम और अनंतनाग ये दो डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, और इन दोनों की वजह ये है, सबसे बड़ी वजह कुलगाम की अगर देखी जाए तो वहां के 3 गांव जो हैं वो 3 के 3 गांव विंटर्स में यूजुअली हर साल महाराष्ट्र चले जाते हैं। जो हम परसों वहां पे गए थे जमे, तो वो 3 के वो जो लोग गांव है वहां पे जो तादाद है 200 के ऊपर है वो इन 3 गांव के इलाकों की है। उसमें वो मजगाम है, छत्ताबल है, या दूसरे एक वो कबाड़ी कबाड़पोरा है, वो दो तीन गाँव जो है ये इस उनकी, ये जो कुलगाम में बड़ी तादाद जो है वो महाराष्ट्र से आई है, लोकल कुलगाम में कम है। अनंतनाग में भी कुछ इसी तरह से, लेकिन अनंतनाग में खतरे की घंटी एक वहां लोकल भी है, लोकल ट्रांसमिशन भी है। अनंतनाग का जो शांगस का इलाका है वहां पे अगर से बाहर से भी केसेस हैं, लेकिन अनंतनाग के शांगस और उसके आसपास के इलाकों में, कुकरनाग के इलाकों में लोकल ट्रांसमिशन, और ये बड़ी खतरे की बात है क्योंकि एक वो चीज है कि जो बाहर से केसेस आते हैं उन्हें डायरेक्टली यहाँ पे क्वारंटीन किया जाता है, उन्हें पब्लिक से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, और क्वारंटीन करते हुए उन्हें देखा जाए क्वारंटीन सेंटर्स में उनका वेटिंग वाच किया जाता है। लेकिन जो लोकल ट्रांसमिशन में आते हैं, लोकल केस आते हैं, ये लोकल ट्रांसमिशन है जिनकी ट्रैकिंग नहीं है, जिनकी ट्रेसिंग नहीं है, वो सरकार ने रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कहीं टूट जाती है तो उसमें लोग दूसरे जो है वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो ये सारा जो लोकल ट्रांसमिशन है ये बड़ी खतरे की बात है, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब इसको कहा जा सकता है। इस सब के बीच में एक चीज और भी जानना चाहेंगे, अब कल चूंकि अनलॉक 1 है और हम इसे यूं भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन का 5वां फेज स्टार्ट होगा, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है काफी हद तक उसमें छूट भी होगी। वादी कश्मीर के अंदर कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा नरमी बरती जा सकती है आने वाले दिनों में? जो कंटेनमेंट जोन है वहां तो सख्ती बरती जाएगी जो पहले ही कह दिया गया है, लेकिन किन इलाकों के अंदर ज्यादा ये देखा जाएगा कि कल से दोबारा तिजारती सरगर्मियां या कारोबार दोबारा शुरू होगा? देखिए, आसिफ, अगर लॉकडाउन या वायरस को, कोरोना वायरस को देखा जाए तो शायद वुहान के बाद कश्मीर एक ऐसी जगह थी पहले दिन से जहां पे इसके खिलाफ वहां सरकारी सतह पे खड़ा हुआ और सरकार ने पहले दिन से स्कूलों वगैरह को बंद करने के अहकाम किए, जहां कंट्रावर्सी हुई, बहुत से लोग उसके खिलाफ भी हुए, लेकिन आज भी सरकार जो है वो इस हवाले से काफी कह सकते हैं कि मुस्बत दिखाई दे रही है। और आज भी सरकार ने जो इकदाम उठाए, यूं कहें अगर देखें कल की अगर बात करें, लगातार 2 दिनों से श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ट्रेडर्स से मीटिंग्स हो रही हैं, जिंदगी के जितने भी शोबे हैं उनके अपराध से, सिविल सोसाइटी से, जर्नलिस्ट से मीटिंग्स की जा रही है और पूछा जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है कि कहां से किस किस इलाके को कैसे खोला जा सकता है। तो कश्मीर में श्रीनगर की अगर पहले सबसे पहले बात करें तो श्रीनगर में भी जो राय दी गई है उसमें यही कहा गया कि जो रूरल एरियाज हैं
श्रीनगर के बाहर के जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के इलाके हैं बाहर के, वहाँ पे उनको रियायत दी जा सकती है। पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से रियायत दी जा सकती है। जो श्रीनगर का जो म्यूनिसिपल लिमिट्स है यानी सिटी जो है उसमें रियायत कम होगी, और खासतौर पर जो दारा का इलाका है उसमें भी रियायत नहीं होगी। और दारा क्योंकि रूरल एरिया में पड़ता है, इसके उस इलाके में क्योंकि वहाँ पे कुछ रेड जोन वगैरह के एरिया में, तो उसमें रियायत नहीं होगी। अब फिर अगर हम वैली की बात करें, कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली चूंकि ज्यादा तादाद जो वैली की है ये रूरल एरिया से है, अर्बन बहुत कम है इसमें, तो यहाँ पे जो टाउन है, जितने भी टाउन है वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉकडाउन इंप्लीमेंट रहेगा। इससे अब अनलॉक जो कहा जाता है ये लॉकडाउन इंप्लीमेंट रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन अनलॉक रहेगा, यानी यहाँ पे आने जाने की किसी हद तक रियायत होगी। और रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उस, क्योंकि कश्मीर में और कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं या और इंद्र कोई है नहीं, तो उस इंडस्ट्री पे के साथ जो लोग जुड़े हुए उन्हें रियायत दी जाएगी काम करने। बिल्कुल, आखिर में एक चीज और भी जानना चाहेंगे, कल हमने देखा ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की गई जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, और अब ऐसी सिचुएशन आ बनी है जहां पर पहले ही नावसाइद हालात और अब जो लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, उस बीच इन लोगों को काफी ज्यादा मुतासर होना पड़ा है। अब ये फैसला लिया गया है कि अगर जो सरकार के सामने मुतालबात हैं, कोई पैकेज इनके लिए स्पेशल ऐलान नहीं होता उसका, तो इसके बाद दोबारा वो अब एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कल जम्मू के अंदर भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो क्या लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट चलने की कोई सिचुएशन नजर आती है या इंतजामिया तैयार है कि लोकल लेवल पर किसी तरीके से एहतियाती तदाबीर के साथ ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी जाए? देखिए बिल्कुल आसिफ, यही बात सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के बड़ी परेशानी की वजह, क्योंकि लोकल लेवल पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला छोड़ा जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूजुअली एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है वो नहीं रह पाएगी, और दूसरा ये भी है कि कश्मीर में देखा गया, क्योंकि कुपवाड़ा में थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पिछले दिन चला था उसके इनपुट्स यही है कि वहाँ पे कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, और जो सोमो ड्राइवर है खासतौर पर या सोमो ही वहाँ पे चले थे, उन्होंने सवारियाँ जो है वो छतों तक भरी हुई थी क्योंकि लोग मजबूर थे, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है। तो इस वजह से सरकार इस वक्त इस मगमसे में फंसी हुई है कि अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खुला छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर खुला रहता है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, वो सारा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अनलॉक करना है वह इसके साथ साथ कुछ जो जो गाइडलाइंस है उनको भी अपनाना पड़ेगा। तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि लोगों में न मानने का जो एक कभी कभी वो हो जाता है कि लोग नहीं मानते हैं असली जो गाइडलाइन जो उनके अहकाम की अमल दरामद नहीं करते, तो उससे परेशानी हो सकती है। तो अभी फिलहाल कोई पैकेज वैकेज नहीं है, लेकिन उस पर भी गौर किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले में मुतबादल के तौर पर किस तरह से किया जाए, तो हो सकता है सरकार का SRTC डिपार्टमेंट को यूटिलाइज करने की फिलहाल कोशिश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर से हमारे साथ थे, वादी कश्मीर की सूरत हाल आप सबके सामने रखी।